इन दिनों बिहार झारखंड के कई सिनेमाघरों में मनोज टाइगर की फिल्म लागल रहा बताशा चाचा चल रही है। इस फिल्म में मनोज टाइगर के साथ आम्रपाली पहली बार लीड रोल के जरिए नजर आई। जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को 2 सप्ताह बीत चुके हैं और अच्छा रिस्पॉन्स के साथ ये फिल्म लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन हाल ही में इस फिल्म से जुड़ी एक खास खबर जानने को मिली है जो निरहुआ से जुड़ी है। जी हाँ, बेशक से इस फिल्म में आम्रपाली के साथ निरहुआ ना हो, लेकिन निरहुआ ने इस फिल्म को पूरा सपोर्ट किया है, क्योंकि इस फिल्म को निरहुआ ने अपने ही प्रोडक्शन हाउस से जहां बिहार में रिलीज किया, तो वहीं इस फिल्म के लिए निरहुआ ने अपनी फिल्म के रिलीजिंग डेट को भी डाल दिया। दूसरी तरफ निरहुआ के लिए मनोज टाइगर से फिल्म रिलीज करने से पहले एक स्पेशल स्क्रीनिंग मनोज टाइगर ने निरहुआ के लिए रखी थी, जिसमें निरहुआ आम्रपाली के साथ इस फिल्म को देखने पहुंचे और वहां पहुंचकर निरहुआ ने इस फिल्म को देखते ही बीच बीच में रो पड़े। हालांकि इस फिल्म का पब्लिक रिव्यू अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस फिल्म को बहुत प्यार मिला है। जाते जाते बता दें कि मनोज टाइगर के इस फिल्म को 1,20,00,000 की लागत से बनाया गया था। इस फिल्म के निर्माता आलोक सिंह बिसेन हैं। इस फिल्म ने सोशल मीडिया से भी अच्छी खासी कमाई कर ली है, क्योंकि YouTube पर इस फिल्म के ट्रेलर को 1.6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज, भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।